Property of own as well as of the property and body of the other person as well. Theke? चलिए 98 क्या कहता है इट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट्सेट्रा ये सेक्शन उस तरीके के केसेस में बात करता है कि अगर आ, सामने वाले पर्सन जो अटैक कर रहा है वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है ठीक है कोई आ, पागल व्यक्ति है और आ, या फिर वो किसी ड्रंकन स्टेट में है वो अपने होशो हवास में नहीं है उसे नहीं पता कि वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है वो क्या एक्ट कमिट कर रहा है जो वो एक्ट कमिट कर रहा है वो क्रिमिनल एक्ट है वो कोई ऑफेंस हो रहा है तो अब उसे तो नहीं पता पर हमें तो पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल सामने वाला एक व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड का है उसके हाथ में है रियल पिस्टल है ना अब उसे तो नहीं पता कि वो चला देगा तो भाई सामने जो बैठा है वो तो मर जाएगा ना उसका तो डी एंड हो जाना है पर मुझे तो पता है ना कि मेरी बॉडी को हार्म हो सकता है देर इज अ अप्रेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो अब अगर मुझे अप्रहेंशन है मुझे खतरा है कि सामने वाला व्यक्ति जो बंदा है ये मेरे ऊपर गोली चला सकता है तो मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में एक्शन ले सकती हूँ तो उसी के बारे में सेक्शन नाइनटी एट बात कर रहा है सो वेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ अटन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाई रीजन ऑफ द यूथ बाई वॉन्ट ऑफ मच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंगशन ऑफन डूंगयन ऑफ एनी मिसक पार्ट ऑफ दैट पर्सन एवरी पर्सन इज सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच हीस क्योंकि हमने जनरल डिफेंस पढ़ा है कि अन कुछ सर्टेन जनरल डिफेंसेज होते हैं कि या तो वो किसी मिसकंसेप्शन में होकर कोई एक्ट कमिट कर रहा है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या फिर उसके पास इतनी मच्योरिटी लेवल नहीं है कम एज का बच्चा कोई एक्ट कमिट कर रहा है ठीक है इंटॉक्सिकेशन में कोई एक्ट कमिट कर रहा है कोई पर्सन तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट ऐसे पर्सन के एक्ट के अगेंस्ट हर पर्सन के पास राइट right है कि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला एक्ट ऑफेंस कंसिडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है क्लियर वी आर हैविंग इलास्ट्रेशन यर ए जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए जेड जो है मैडनेस के इन्फ्लुएंस में वो दिमागी हालत तो उसका ठीक नहीं है और उसमें वो क्या करता है कि वो अटेम्प्ट करता है ए को मारने का जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस जेड तो कोई गिल्टी नहीं है क्योंकि ही इज अनसाउंड ठीक है बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर् सीन पर ए के पास बिल्कुल उसी तरीके से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट है जैसे तब होता जब जेड जो है वह सेन होता और तब वो वो ऑफेंस कमिट करता क्योंकि अगर वो सेन होता तब तो वो एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता ठीक है पर यहाँ पर बिकॉज ही इज़ इनसेन ही इज़ अनसाउंड वाई ही विल नॉट बी बुकड एज एन ऑफेंस पर यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज की जो एक्सटेंट है दैट विल बी दैट विल रिमेन एज इट इज़ ठीक है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा सेकेंड इलेस्ट्रेशन ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज़ लीगली एंटाइटल टू एंटर ए जो है रात में अपने घर जा रहा था वापस अपने काम से आके ठीक है और वैसे ही जैसे कि वो लीगली एंटाइटल्ड है उस घर में जाने के लिए जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए जेड को यहाँ पे भ्रम होता है जेड को यहाँ पे मिसकैप्शन होता है कि जो ए है जेड उसका पड़ोसी होगा या पासर बाय हो सकता है ठीक है जेड को ऐसा लगता है कि जो ए जो इस घर में जा रहा है ही इज अ हाउस ब्रेकर ठीक है और ये जो है बर्गलरिया पर्पज के लिए जा रहा है ठीक है तो वहाँ पे उस गुड फेथ में कि जिस घर में वो जा रहा है उसका भला हो उसके साथ कुछ गलत ना हो वो उस ए के ऊपर अटैक कर देता है ठीक है उसने जानबूझ के नहीं किया उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस जेड ने तो कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया बट ए ए हैज अ सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकनसेप्शन ए के पास बिल्कुल वैसे ही तरीके से प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा जैसे कि उसके तब होता जब वो उस में एक्ट नहीं कर रहा होता वो जान कर भी कर रहा होता तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेम रहता अभी वो गुड फेथ में कर रहा है तब भी ए का प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो सेम रहेगा तो गाइज हो गया सेक्शन 98 कि कैसे आपका सर्टेन स्टांसेज में भले ही जो सामने वाले ने आपके ऊपर अटैक किया वो ऑफेंस ना हो पा आपने जो अपने काउंटर डिफेंस में जो राइट अपना एक्सरसाइज किया है दैट विल बी एज इट इज़ उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है ये हो गया सेक्शन 98। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए ठीक है दिस वॉज इट एवरी टेक केयर हैव अ गुड डे बाय